हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू केम बॉन्ड यूट्यूब चैनल आज हम एलिफेटिक अमाइंस के बारे में स्टडी करेंगे अमाइंस आर द डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया इन विच वन और मोर हाइड्रोजन आइटम हैज़ बीन रिप्लेस बाय द अल्काइल ग्रुप तो गैस अगर देखा जाए तो अमोनिया एन एच थ्री होता है ओके तो एन एच थ्री ये जो हाइड्रोजन आइटम है हाइड्रोजन आइटम जो कि अल्काइल ग्रुप के साथ जब रिएक्ट होता है मतलब रिप्लेस होता है तो ये फॉर्म करता है मिथाइल अमाइन डाई मिथाइलमाइन एंड ट्राई मिथाइलमाइन सो जितने हाइड्रोजन्स आपको अमोनिया के ऊपर देखने को मिलते हैं तो एलिफेटिक अमाइंस ये सब यहाँ से हाइड्रोजन आइटम के साथ रिप्लेस होके अल्काइल ग्रुप हाइड्रोजन आइटम के साथ रिप्लेस होके अमाइन फॉर्म कर रहा है तो ये मिथाइल अमाइन फॉर्म करता है डाई मिथाइलमाइन फॉर्म करता है एंड ट्राईमिथाइलमाइन फॉर्म करता है ऑन दैट बेसिस प्राइमरी अमाइन सेकेंडरी अमाइन एंड टर्शरी अमाइन इस तरीके से एलिफेटिक अमाइंस प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी में क्लासीफाई हुआ है सो जनरली अमाइंस आर द डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया विच रिप्लेस वन और मोर हाइड्रोजन आइटम विद द अल्काइल ग्रुप फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइन, इज अ लोअर अमाइंस आर द लिक्विड इन नेचर आयर स्पेक्ट्रा फॉर अमाइन एन एच इज अ थ्री थाउजेंड थ्री हंड्रेड टू थ्री थाउजेंड फाइव हंड्रेड सेंटीमीटर्स अमाइंस वॉटर इनसोल्यूबल बिकॉज nh bonds they are not following hydrogen bond with the water but the soluble in the organic solvents h1 nmr shows the peak below 0.5 to 5.0 delta next point at the classification of amines amines are generally classified on primary amines secondary amines and tertiary amines so the classification is based on the replacement of the hydrogen atom विद द एन एच ट्रू फंक्शनल ग्रुप सो ये एनएच फंक्शनल ग्रुप जो है वो रिप्लेस होता है हाइड्रोजन के साथ ओके सो यहाँ पे देखो प्राइमरी अमाइंस के अंदर अमाइन हैज ओनली वन अल्काइल ग्रुप डायरेक्टली अटेस्टेड टू द एन एच टू ग्रुप नाइट्रोजन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा एक अल्काइल ग्रुप एन एच टू के साथ बॉम्ब फॉर्म कर रहा है तो ये प्राइमरी अमाइन हो गया दूसरा जहाँ पे आपको देखने को मिलेगा सेकेंडरी अमाइंस यहाँ पे नाइट्रोजन रिप्लेस हो रहा है दो अल्काइल ग्रुप के साथ नाइट्रोजन का जो हाइड्रोजन है वो रिप्लेस हो रहा है दो अल्काइल ग्रुप के साथ यहाँ पर नाइट्रोजन के जो तीनों हाइड्रोजन है वो रिप्लेस हो रहे हैं थ्री अल्काइल ग्रुप के साथ इसके वजह से जो क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइन है वो प्राइमरी अमाइन सेकेंडरी अमाइन एंड टर्शरी अमाइन इनमें क्लासीफाई हुआ है नेक्स्ट पॉइंट आता है बेसिसिटी ऑफ अमाइन अमाइन सा एक्ट एज अ अविज बेस बिकॉज द डोनेट द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म द न्यू बॉन्ड ऑफ हाइड्रोजन सो so, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो बेसिसिटी ऑफ अमाइन में अमाइन क्या कर रहा है कि आपके उसके पास जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या है? करता है डोनेट करता है सो यहाँ पर आपको देखने को मिला कि एनएच टू यहाँ पर जो प्राइमरी अमाइन है वो रिएक्ट हो रहा है इन, विद द वाटर के साथ तो जब ये वाटर के साथ रिएक्ट हो रहा है तो ये क्या कर रहा है कि वाटर से वन हाइड्रोजन आइटम ले रहा है एंड हाइड्रोक् यहाँ पे क्या हो रहा है रिलीज हो रहा है तो जैसे हमने कार्बोक्जलिक एसिड्स के अंदर देखा था ये इक्वेशन अगर आपको लिखना है तो यहाँ पे आपको फर्स्ट जो है उसे ए काउंट करेंगे और बी जो है आप बी जो सेकंड रिएक्शन होने के बाद जो आपको देखने को मिलेगा आयोनाइजेशन फॉर्म आपको यहाँ पे जो देखने को मिलेगा आर एन एच थ्री प्लस ओ एच माइनस तो ये बी है तो जब इक्वेशन में आप लिखते हो तो बी पोर्शन जो आता है वो सबसे ऊपर लिखते हो एंड ए पोर्शन जो है वो आप क्या करते हो नीचे लिखते हो तो यहाँ पर आपको इन द बेस ऑफ स्ट्रांग एट दैट टाइम इक्विलिब्रियम शिफ्टेड टू द राइट सो के बी वैल्यू इज हायर द स्ट्रेंथ ऑफ द बेस इज़ अ मेजर इन द फॉर्म ऑफ द पी के वैल्यू जैसे हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि कार्बोक्सिलिक एसिड का जो पी के वैल्यू है वो फोर टू फाइव के बीच में आता है और एच टू एस ओ फोर एच एन ओ थ्री एच सी एल का जो पी के वैल्यू है वो वन के जीरो टू वन के बीच में आता है और अल्कोहल का जो पी के वैल्यू है फोर्टीन टू सिक्सटीन के बीच में आता है तो इसकी वजह से H2SO4 टू नाइट्रिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड्स के अंदर चले जाते हैं एसिडिटी ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू कार्बोक्जिलिक एसिड एंड कार्बो अल्कोहल का जो एसिडिटी है लेस होता है एज कम्पेयर टू द कार्बोक्सिलिक एसिड सो यहाँ पर भी सेम हम देखेंगे कि यहाँ पर अगर आप पी के वैल्यू अगर आपका बढ़ जाता है तो आपका जो एसिडिटी है और बेसिसिटी जो है वो क्या हो जाता है कम हो जाता है और जितना पी के वैल्यू कम रहेगा उतना बेसिसिटी क्या होगा बढ़ेगा द मेजरमेंट ऑफ अमाइन बेसिसिटी थ्रू द एसिडिटी ऑफ द कॉन्जुगेटेड एसिड इक्विलिब्रियम शिफ्टेड टू राइट एंड द पी के वैल्यू विद बी द ग्रेटर फॉर द कॉन्जुगेटेड एसिड्स सो सब्सटीट्यूशन इफेक्ट ऑन द बेसिसिटी सो जैसे हमने यहाँ पे सब्सिट्यूशन इफेक्ट में हम देखेंगे कि uh, अगर यहाँ पे आप देखने को मिलेगा कि अमोनिया के ऊपर ये जो स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा है अमोनिया ओके अमोनिया के ऊपर थ्री हाइड्रोजन आपको देखने को मिल रहे हैं ईच हाइड्रोजन रिप्लेस विद द अल्काइल ग्रुप अगर तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि अमोनिया इज अ वीकर बेस एज कंपेयर टू द प्राइमरी अमाइन और अगर और एक एडिशनल अल्काइल ग्रुप ऐड हो गया तो प्राइमरी अमाइन इज अ वीकर बेस एज कंपेयर टू द सेकेंडरी अमाइन देन थर्ड और एक अल्काइल ग्रुप अगर ऐड हो गया तो टर्शरी अमाइन इज अ स्ट्रोंगेस्ट बेसिसिटी एज कम्पेयर टू द सेकेंडरी एंड द प्राइमरी एंड द अमोनिया सो इस तरीके से आप अल्काशन इफेक्ट आप यहाँ पर देखने को मिल सकता है नेचर ऑफ अमाइंस सो ये जो नेचर ऑफ अमाइन है एनी फैक्टर दैट डिक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन द नाइट्रोजन आइटम डिक्रीज द बेसिसिटी

सो so, जितना डिक्रीज द डेंसिटी दैन द डिक्रीज द बेसिसिटी इंक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज द बेसिसिटी तो यहाँ पर अमाइंस जो है यहाँ पे अमाइन रिप्लेस हो रहा है उसके आर सी एच टू एन एच टू यहाँ पे जो हो रहा है वो अमाइन कन्वर्टेड इंटू द इमाइन तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन आइटम है वो रिप्लेस हो रहा है बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहा है एंड देन अगेन फॉर्म एंड द साइनाइट तो आपको देखने को मिलेगा कि अमाइन इज अ मोर एंड स्ट्रॉन्गेस्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सो द इनक्रीज द बेसिसिटी एंड द साइनाइड हैज द लेस्ट लीस्ट बेसिक दैट द इमाइन इन एंड अमाइन नेक्स्ट पॉइंट आता है प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस अमाइन प्रिपेरेशन के टोटल एलेवेंथ मेथड्स है जो आपको यहाँ पे स्टडी करना है तो फर्स्ट मेथड प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस के अंदर हम देखेंगे कि अमाइन कौन कौन से तरीके से बनाया जाता है तो रिएक्शन ऑफ अल्काइल विद द अमोनिया ये रिएक्शन के यूज करके हम अमाइंस बना सकते हैं देन गैब्रियल मेथड रिएक्शन ऑफ नाइट्रो अल्केन रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स रिडक्शन ऑफ ऑक्साइम्स रिडक्शन ऑफ आइसोनाइट्राइल्स रिडक्शन ऑफ अमाइड्स रिडक्शन ऑफ अमोनिया ऑफ द अल्काइल अल्डिहाइड एंड द कीटोन्स एंड द रिडक्शन ऑफ अल्काइल अजाइड हॉफमन डिग्रेडेशन अमाइड्स एंड द रिडक्शन ऑफ अल्काइल जिसे क्यूटियस रीअरेंजमेंट भी कहा जाता है भी कहा जाता है टोटल तो रिएक्शंस एलेवन रिएक्शंस हमें यहाँ पे स्टडी करना है तो चलो होगा इस फर्स्ट रिएक्शन देखते हैं रिएक्शन ऑफ अल्काइल हेलाइट विद द अमोनिया टू फॉर्म द अमाइंस तो यहाँ पे आपका जो अल्काइल हेलाइट से रिएक्ट होता है अल्कोहलिक सोल्यूशन ऑफ अमोनिया के साथ टू फॉर्म द अमाइंस तो यहाँ पे देखो अल्कोहलिक सोल्यूशन आ रहा है अमोनिया का ये जो है अल्कोहलिक सोल्यूशन है तो अल्कोहलिक सोल्यूशन ऑफ अमाइन रिएक्शन ऑफ द अलकाइल हेलाइट्स अल्काइल हेलाइट्स मतलब जहाँ पे फ्लोरिन क्लोरिन रोमिन अल्किन के साथ अटैच होते हैं तो यहाँ पे आपको इथाइल ब्रोमाइड ये जो अल्काइल हिलाइड आपको देखने को मिलेगा ये रिएक्ट होता है NH3 के साथ तो जब ये NH3 के साथ रिएक्ट करता है तो ये ब्रोमीन का जो ब्रोमीन रिप्लेस होता है वन हाइड्रोजन ऑफ द अमोनिया एंड वो फॉर्म करता है एच एंड आपको यहाँ पे अमाइन जो है वो क्या हो जाता है अमोनिया का जो एनएच ग्रुप है वो क्या इथाइल अमाइन के साथ फॉर्म कर बॉन्ड फॉर्म करके इथाइल के साथ बॉन्ड फॉर्म करके इथाइल अमाइन क्या करता है फॉर्म करता है देन नेक्स्ट रिएक्शन आता है आपका गैब्रियल थैलामाइट मेथड इन द गैब्रियल थैलामाइट्स फर्स्ट आप देखो थैलामाइट्स का स्ट्रक्चर देख लो यहाँ पे बेंजिन रिंग एंड कार्बोनिल कार्बोनिल दो ग्रुप है एंड उसके साथ एनएच है तो ये गैब्रियल थैलामाइट सिंथेसिस के अंदर आपको थैलामाइट्स का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना आना चाहिए तो स्ट्रक्चर ड्रॉ करना कोई बड़ी बात नहीं है यहाँ पे आपको एक बेंजिन रिंग ड्रॉ करना है बेंजिन रिंग के साथ आपको कार्बोनिल ग्रुप लिखना है देन uh, कार्बोनिल को अटैच करना है एनएच के साथ तो ये थैला थैलीमाइट सिंथेसिस ये थैलामाइड हो गया इसको रिएक्ट करोगे जब आप स्ट्रॉन्ग पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ वो क्या करेगा कि हाइड्रोजन आइटम को रिप्लेस करेगा यहाँ का जो हाइड्रोजन आइटम है वो रिप्लेस हो जाएगा पोटेशियम के साथ एंड द हाइड्रोक्सी ग्रुप के साथ वो हाइड्रोजन मिला के वाटर मॉलिक्यूल्स फॉर्म करके रिमूव कर देगा एंड यहां पर आपको पोटेशियम थैलामाइड फॉर्म होते हुए नजर आएगा तो ये थैलामाइड्स कन्वर्टेड इनटू द पोटेशियम थैलामाइड्स बाय द रिएक्टिंग विद द स्ट्रॉन्ग बेस लाइक अ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड तो ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करके बन गया देन इथाइल क्लोराइड के साथ जब ये रिएक्ट करता है तो ये आपका पोटेशियम uh, क्लोराइड uh, जो है वो क्या हो जाता है सॉरी वेट अ मिनट हाँ इथेनॉल के साथ जब ये रिएक्ट करता है तो ये क्या करता है कि आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पे रिएक्ट करके आपका यहाँ पे थैलामाइड्स फॉर्म करता है देन सी एच टू सी एच टू फॉर्म हो जाता है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा और ये जो ग्रुप है वो अगेन हाइड्रोक्सिक स्ट्रॉन्ग बेस के साथ क्या करता है रिएक्ट करता है और यहाँ पे पोटेशियम थैलामाइट्स आपको फॉर्म होते हुए दिखाई देगा तो पोटेशियम की जो दो के ओ एच है यहाँ से आ रहे जो कि एन एच सी एस टू सी एच टू के साथ रिएक्ट करके इथाइल अमाइन यहाँ पे क्या हो रहा है रिप्लेस हो रहा है तो गाइज यहाँ पे देखो जो मैंने आपको बोला था कि ये जो एन के है एनके क्या कर रहा है अल्काइल अल्काइल ग्रुप के साथ रिएक्ट करके यहाँ पर आपका अल्काइल ग्रुप यहाँ पे क्या हो रहा है बॉन्ड फॉर्म कर रहा है ओके अल्काइल यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म कर रहा है देन वो इन द प्रेजेंस ऑफ के ओ एच वो क्या कर रहा है कि पोटेशियम हाइड्रो कार्बोनिल ग्रुप के साथ बॉन्ड फॉर्म कर रहा है एंड देन उसका जो हाइड्रोक् मोलिक्यूल है वाटर हाइड्रोलिसिस हो रहा है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वाटर तो ये यह यहाँ पे टू टू थ्री स्टेप यहाँ पे क्या होता है इन्वॉल्व होते हैं तो ये जनरली आपको किस तरीके से याद रखना है कि थैलामाइड्स कन्वर्टेड इनटू द था पोटेशियम थैलामाइड्स एंड पोटेशियम थैलामाइड्स पोटेशियम थैलामाइड्स कन्वर्टेड इनटू द था पोटेशियम थैलेट इस तरीके से आपको पोटेशियम थैलेट यहाँ पे मिलता है एंड देन ये जो बाय प्रोडक्ट आप यहाँ पे मिल रहा है इथाइल अमाइन तो ये आपका मेजर प्रोडक्ट है जो कि आपको फॉर्म करना है तो प्रिपेरेशन ऑफ इथाइल अमाइन फ्रॉम थैलामाइड्स तो यहाँ से आपको देखने को मिलेगा नेक्स्ट रिएक्शन आता है रिडक्शन ऑफ नाइट्रो अल्केन्स तो रिडक्शन ऑफ नाइट्रो अल्केन्स में नाइट्रो इथेन तो ये आ, इथेन जो है वो रिएक्ट होता है प्राइमरी आप हाइड्रोजन हाइड्रोजन के साथ सॉरी ओनली ये रिडक्शन रिएक्शन शो करता है और यहाँ पे इन द प्रेजेंस ऑफ निकेल एंड थैलामाइट जो मेटल आयन्स के साथ एज ए कैटलिस्ट एक्ट करते हैं इनके साथ रिएक्ट करता है तो यहाँ पे देखो जनरली रिएक्शन क्या होता है सी एच थ्री सी टू एन ओ टू है तो ये जो ऑक्सीजन है ऑक्सीजन थ्री मो हाइड्रोजन के साथ क्या हो रहा है रिप्लेस हो रहा है ओके तो यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल्स टू मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर यहाँ पे बाहर आ जाते हैं एंड जो रिमेनिंग जो सिक्स uh, हाइड्रोजन में से यहाँ पे फोर हाइड्रोजन्स वाटर मॉलिक्यूल्स में चले जाते हैं और दो हाइड्रोजेंस यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ ऐड हो जाते हैं तो यहाँ पे इथाइल अमाइन आपको फॉर्म होते हुए नजर आएगा नेक्स्ट रिएक्शन है रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स इन द रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स प्राइमरी आमाइंस कैन बी ऑप्टेन बाय द रिडक्शन ऑफ द नाइट्राइल्स विद द निकेल एंड प्लेटिनम तो यहाँ पर uh, आपको जो uh, प्राइमरी अमाइंस फॉर्म हो रहा है उसे फॉर्म करने के लिए आपको रिडक्शन करना है नाइट्राइस का तो नाइट्राइस यहाँ पे सी ट्रिपल बॉन्ड एन ये नाइट्राइल है और ये जो सी ट्रिपल बॉन्ड एन है वो जब आप हाइड्रोजन के साथ उसे रिएक्ट करते हो तो हाइड्रोजन क्या करता है कि ये जो ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म हो रहा है वहाँ पर अटैक एक्ट करना शुरू कर देता है तो जितने मोल्स ऑफ हाइड्रोजन्स वहाँ जित दो हाइड्रोजन्स वहाँ पे जाके क्या होते हैं ऐड हो जाते हैं तो यहाँ पे जो ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म हो रहा है तो यहाँ पे दो बॉन्ड क्या हो जाते हैं ब्रेक हो जाते हैं और इस तरीके से यहाँ पे एन प्रोपाइल अमाइन यहाँ पे फॉर्म होता है नेक्स्ट आता है रिडक्शन ऑफ ऑक्साइम्स इन द रिडक्शन ऑफ ऑक्साइम प्राइमरी कैन बी ऑप्टेन बाय द रिडक्शन ऑफ द रिडक्शन विद द निकेल एंड प्लैटिनम तो यहाँ पे जनरली रिडक्शन रिएक्शन में हाइड्रोजन हाइड्रोजन एटम ऐड हो जाता है जनरल रिडक्शन रिएक्शन में तो यहाँ पे भी आप देखोगे कि ये जो आपका ऑक्साइम है ओके okay, ऑक्साइम का स्ट्रक्चर क्या है सी एच डबल बॉन्ड एन और उसके ऊपर हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच है तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन जब ये हाइड्रोजन एटम के साथ रिएक्ट करता है तो ये क्या करता है कि आपका जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल्स बना के बाहर आ जाता है और जो नाइट्रोजन है यहाँ पे क्या हो जाता है रिमेनिंग हाइड्रोजन आइटम वहाँ नाइट्रोजन के साथ अटैच हो जाते हैं और यहाँ पर प्राइमरी अमाइंस वो क्या करते हैं फॉर्म करते हैं देन रिडक्शन ऑफ आइसोनाइट्राइस ये जो सिक्स रिएक्शन है वो हम यहाँ पर देखेंगे रिडक्शन ऑफ आइसोनाइट्राइस के अंदर सेकेंडरी अमाइंस फॉर्म होता है एंड ये भी रिडक्शन इज आइसोनाइट्राइस विद द हाइड्रोजन्स सो यहाँ पर आपको इथाइल आइसोनाइट्राइज इथाइल आइसोसाइनाइड तो यहाँ पे आपने देखा होगा कि नाइट्राइज के अंदर सी ट्रिपल बॉन्ड एन था और साइनाइड के अंदर एन ट्रिपल बॉन्ड सी है तो ये स्मॉल डिफरेंस आता है साइनाइड एंड नाइट्राइल स्ट्रक्चर के अंदर तो ये जो आइसोनाइट्राइल uh, स्ट्रक्चर है सॉरी आइसोसाइनाइड जो है तो ये आइसोसाइनाइड रिएक्ट करता है हाइड्रोजन के साथ एंड फॉर्म करता है एन मिथाइल अमाइन देन रिडक्शन ऑफ अमाइड्स तो रिडक्शन ऑफ अमाइन में प्राइमरी अमाइंस कैन बी ऑप्टेन बाय द रिडक्शन ऑफ सिंपल अमाइड्स एंड विद द लिथियम एलुमिनियम हाइड्रोक्साइड सो यहाँ पर आपका प्रोपामाइड्स जो है वो रिएक्ट हो रहा है हाइड्रोजन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ लिथियम एलुमिनियम हाइड्रोक्साइड और और वाटर मोलिकल्स वहाँ से क्या हो रहा है रिमूव हो रहा है तो so, यहाँ पर जनरली आप देखोगे कि ये जो कार्बनियल ग्रुप है यहाँ पर हाइड्रोजन अटैच होकर वो क्या कर रहा है वाटर मॉलिकल्स को फॉर्म करके उसे रिमूव कर रहा है और यहाँ पर जो आपका आ, ओनली यहाँ पे ऑक्सीजन रिमूव हो जाता है वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट करके एंड ये जो है आपका प्रोपाइल अमाइन जो कि प्राइमरी अमाइन क्या हो जाता है यहाँ पे फॉर्म हो जाता है नम जितने भी रिएक्शन देखिए जस्ट हाइड्रोजन एड हो रहा है एंड क्या हो रहा है कि प्राइमरी अमाइन फॉर्म हो रहा है सेकेंडरी अमाइन फॉर्म हो रहा है एंड एट नंबर का रिएक्शन जो है रिडक्टिव अमाइनेशन ऑफ द अल्डिहाइड एंड द कीटोन तो यहाँ पर आप अल्डिहाइड एंड कीटोन के साथ अगर आप रिएक्ट करोगे इन द प्रदेंस ऑफ अमोनिया तो वाटर मॉलिकल रिमूव हो जाएगा एंड आपको प्राइमरी एंड द सेकेंडरी अमाइंस आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा तो यहाँ पे देखो प्रोपेन प्रोपियोन प्रोपाइन डिहाइड रिएक्ट हो रहा है हाइड्रोजन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ अमोनिया एंड रिमूव ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल्स तो ये प्रोपेल प्रोपाइल अमाइन यहाँ पे फॉर्म कर रहा है एग्जैक्टली सेम अल्डियाइट के साथ यहाँ पे आपका जो प्रोपेल्टियाइड सेम रिएक्शन है यहाँ पे हाइड्रोजन आइटम इन द प्रेजेंस ऑफ सी एच थ्री एनएच टू मिथाइल अमाइन के साथ जब ये रिएक्ट करता है तो यहाँ पे क्या हो जाता है कि आपका एन मिथाइल प्रोपेन वन अमाइन यहाँ पे क्या हो जाता है फॉर्म हो जाता है नेक्स्ट रिएक्शन है नाइन नंबर का रिडक्शन ऑफ अल्काइल अजाइड तो इन द रिडक्शन ऑफ अल्काइल अजाइड प्राइमरी अल्काइल हेलाइड्स रिएक्ट विद द सोडियम अजाइड टू फॉर्म द अल्काइल अजाइड एंड द फर्दर रिडक्शन विद द लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड टू गिव द प्राइमरी अमाइंस तो यहाँ पर प्रोपेनाल रिएक्ट हो रहा है इन द प्रोज ऑफ एन सोडियम एन थ्री इथेनॉल इथेनॉल के साथ टू फॉर्म द प्रोपाइल अमाइन तो ये जो टर्शरी नाइट्राइल जो है थ्री नाइट्राइल्स यहाँ पे एच के साथ रिमूव एच क्लोरिन रिमूव हो के वहाँ पे एन 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 ये जो फॉर्म हो रहा है अल्काइल अजाइड फॉर्म कर रहा है ओके तो ये अल्काइल अजाइड यहाँ पे सोडिया अगेन लिथियम रिडक्शन रिएक्शन यहाँ पे फॉर्म करके प्रोपाइल अमाइन ये क्या करता है यहाँ पे फॉर्म करता है दैन हॉफम डिग्रेडेशन ऑफ अमाइड्स ये वन ऑफ द इम्पोर्टेंट रिएक्शन है मोस्टली ये पूछा भी जाता है एग्जाम के अंदर तो इन इस रिएक्शन के अंदर कन्वर्जन ऑफ अमाइड्स इंटू द अमाइन विद द हेल्प ऑफ द सोडियम हाइपोहिलाइड्स इज नोन एज द हॉफमोन डिग्रेडेशन तो प्रोप्यनस रिएक्ट विद द ब्रोमिन इन द प्रजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड द फॉर्म ऑफ इथाइल अमाइन एंड द सोडियम ब्रोमाइड सो इसका मैकेनिजम आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट हो रहा है सोडियम प्लस ओ एच एन ए प्लस ओ एच के साथ एंड देन एन ए टू सी ओ थ्री एंड टू मोल्स ऑफ वाटर देन यहां पे आपको ये जो आपका प्राइमरी स्ट्रक्चर है प्रोपेन के साथ जब ग्रुप रिएक्ट करता है तो वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव हो जाता है देन ब्रोमीन ऐड हो जाता है वहां पे हाइड्रोजन के साथ यहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे देखने को मिलेगा देन एलेवेंथ रिएक्शन है क्यूटियस रीअरेंजमेंट दिस रिएक्शन कन्वर्ट असाइल असाइल अजाइड टू द प्राइमरी अमाइंस तो ये प्रोपाइल क्लोराइड रिएक्ट विद ए एन थ्री एंड द फॉर्म एथाइल अमाइंस फर्स्ट पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है सेकेंड पार्ट आता है रिएक्शन ऑफ अमाइंस ओके तो हमने अमाइन किस तरीके से फॉर्म होता है इसके एलिंस रिएक्शंस देखे ऑल रिएक्शंस आज ईजी यहाँ पे जस्ट क्या हो रहा है हाइड्रोजन आइटम रिप्लेस हो रहा है मोस्ट ऑफ द रिडक्शंस रिएक्शंस आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है तो ये जो रिएक्शन ऑफ अमाइंस है तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो अमाइंस हमने ऊपर रिएक्शंस करके बनाए हैं तो वो अमाइंस जब रिएक्ट होता है अल्काइल अल्काइट के साथ एसिड क्लोराइड के साथ नाइट्रस के नाइट्रस एसिड के साथ बेंजाइल सल्फोनियल क्लोराइड के साथ तो क्या न्यू डेरिवेटिव्स फॉर्म होते हैं उसके बारे में हम यहाँ पे स्टडी करेंगे तो यहाँ पे टोटल हमें छह रिएक्शन ऑफ अमाइंस के अंदर हमें टोटल छह रिएक्शन स्टडी करने हैं जहाँ पे हम अमाइंस को रिएक्ट करके न्यू कंपाउंड्स यहाँ पे बनाते हैं तो पहले हम बनाएंगे सॉल्ट फॉर्मेशन तो अगर आप इथाइल अमाइन को रिएक्ट करते हो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ तो यहाँ पर आपको इथाइल अमोनियम क्लोराइड देखने को मिलेगा सॉल्ट फॉर्म होगा सेम रिएक्शन नेकेंड रिएक्शन विद द अल्काइल हेलाइड के साथ अगर आप करोगे तो इथाइल अमाइन अगर रिएक्ट होगा मिथाइल क्लोराइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ तो यहाँ पे आपको एच रिमूव होते हुए नजर आएगा वन क्लोरीन एंड वन हाइड्रोजन यहाँ पे रिमूव होते तो हुए नजर आएगा और यहाँ पे आपको फॉर्म होगा एन मिथाइल इथाइल अमाइन और उसे अगेन आप मिथाइल क्लोराइड के साथ अगर आप रिएक्ट करते हो तो आपको एन एंड डाय मिथाइल अमाइन यहाँ पे देखने को मिलेगा एंड अगेन उसे मिथाइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करते हो तो कॉटरनरी अमोनियम सॉल्ट आपको यहाँ पर फॉर्म होते हुए हो, नज़र आ रहा है तो यहाँ पर जनरली हो क्या रहा है कि वन हाइड्रोजन रिप्लेस विद द क्लोरिन तो यहाँ पे आपको मिथाइल क्लोराइड का जो क्लोरीन है उसके साथ वन हाइड्रोजन रिप्लेस हो रहा है एच बाहर आ जा रहा है और एक मिथाइल ग्रुप वहाँ पे क्या हो रहा है ऐड हो रहा है तो इथाइल अमाइन जो है वो कन्वर्टेड इंटू द एन मिथाइल इथेनामाइन दैन कन्वर्टेड एन एन डाई मिथाइल इथेनामाइन एंड अगेन कन्वर्टेड इंटू द कॉटरनरी अमोनियम सॉल्ट तो फाइनली ये सॉल्ट के अंदर क्या हो जाता है कन्वर्टेड हो जाता है दैन थर्ड रिएक्शन आता है रिएक्शन विद द एसिड क्लोराइड तो ये प्राइमरी अमाइंस रिएक्ट विद एसिड क्लोराइड टू फॉर्म द अनसब्स्टिट्यूटेड अमाइंड तो यहाँ पर इथाइल अमाइन रिएक्ट होता है एसिटाइल क्लोराइड के साथ तो यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिमूव हो जाता है यहाँ पे जो क्लोरिन है ये हाइड्रोजन है या आप आपको देख रहा है कि ये रिमूव हो रहा है जस्ट लुक एट द रिएक्शन रिएक्शन को एक बार देखोगे ध्यान से देखोगे क्या हो रहा है क्लोरिन हाइड्रोजन रिएक्ट होके एच सी एल रिमूव हो रहा है एंड देन जो निगेटिव चार्ज यहाँ पे जनरेट हो रहा है वो एन एच के साथ क्या कर रहा है बॉन्ड फॉर्म कर रहा है तो जैसे बॉन्ड फॉर्म हो रहा है सी एस थ्री सी एस टू एन एच सी डबल बॉन्ड सी एस थ्री फॉर्म हो रहा है जिसे हम एन एथाइल एसिटामाइड कहते हैं फोर्थ रिएक्शन है रिएक्शन विद द नाइट्रस एसिड तो रिएक्शन विद द नाइट्रस एसिड के अंदर प्राइमरी अमाइंस रिएक्ट विद द नाइट्रस एसिड टू फॉर्म द डाइजोनियम सॉल्ट एंड द सॉल्ट ऑफ सॉल्ट हाइड्रोलाइज टू फॉर्म द अल्कोहल तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये प्रोपाइल अमाइन जो है प्रोपाइल अमाइन ओके प्रो प्रोपाइल अमाइन रिप्लेट इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम नाइट्रेट एंड एच सी एल एट जीरो डिग्री सेल्सियस तो ये क्या करेगा कि ये जो एन एच टू का है तो यहाँ पे जो एच सी एल आप यूज कर रहे हो तो एच सी एल रिप्लेस करेगा एन एच टू जो है वहाँ पे एन टू सी एल टू फॉर्म होगा एन टू सी एल फॉर्म होगा एंड एन टू नाइट्रोजन रिमूव होगा दैनो क्लोरिन भी रिमूव होगा तो यहाँ पर आपको देन हाइड्रोलिसिस करके प्रोपेन प्रोपेन टू ऑल यहां पे आपको देखने को मिलेगा इथेनॉल कन्वर्जन होता है नाइट्रस एसिड का देन रिएक्शन विद द बेंजिल सल्फोनिल क्लोराइड तो ये बेंजिन सल्फोनिल क्लोराइड यहां पे प्राइमरी अमाइंस जब रिएक्ट विद द बेंजिन सल्फोनिल क्लोराइड टू फॉर्म द एन अल्काइल बेंजिन सल्फामाइड तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एन क्या हो रहा है रिएक्ट कर रहा है क्लोरीन के साथ तो यहाँ पे क्लोर एच सी एल रिमूव हो रहा है एंड ये जो फंक्शनल ग्रुप है डायरेक्टली क्या हो रहा है सल्फोनिल ग्रुप के ऊपर क्या हो रहा है अटैच हो रहा है तो ये बेंजीन सल्फोनामाइड कहा जाता है ऑल रिएक्शंस आर वेरी इजी जस्ट एक बार देख लो उसे ध्यान से खुद लिख के देखो आपको समझ में आ जाएंगे लास्ट रिएक्शन है कार्बन रिएक्शंस प्राइमरी अमाइंस रिएक्ट विद द क्लोरोफॉर्म एंड सोल्यूशन ऑफ के ओ एच इन इथेनॉल टू फॉर्म द आइसोसाइनाइड्स तो यहाँ पे मिथाइल अमाइंड रिएक्ट होता है के ओ एच के साथ टू फॉर्म मिथाइल आइसोसाइनाइड के सी एल बाहर चला जाता है मतलब यहाँ पे सी एस थ्री एन एच टू सी एस थ्री एन एच टू सी एच सी एल सी एल थ्री के ओ एच तो ये जो तीन कंपाउंड्स हैं मिथिल अमाइंस दैन मिथाइल ट्राईक्लोराइड एंड पोटेशियम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड दैट यहाँ पे क्या हो जाता है कि एन एच टू के जो दो हाइड्रोजन्स है वो क्या हो जाता है रिप्ले दो हाइड्रोजन्स रिप्लेस हो जाते हैं तो एक uh, दो वॉल्ट वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ पे क्या हो जाते हैं फॉर्म हो जाते हैं यहाँ से वो रिप्लेस करके क्या करता है थ्री मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर यहाँ पे फॉर्म करता है एंड द रिमेनिंग जो सी एच सी एल थ्री का जो क्लोरीन है वहाँ पर के सी एल के साथ रिएक्ट uh, करके यहाँ पे के थ्री के सी एल फॉर्म करता है एंड जो वन कार्बन यहाँ पे बचता है वो कार्बन क्या करता है यहाँ पर नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड फॉर्म करता है इसी तरह से मिथाइल आइसोसाइनाइड यहाँ पे क्या होता है फॉर्म हो जाता है तो गाइज ये थे आपके प्रिपरेशन मेथड ऑफ प्रिपरेशन के बाद जो हमने स्टडी किया रिएक्शन ऑफ अमाइंस रिएक्शन ऑफ अमाइंस की ये छः रिएक्शन आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंस है उसके बाद आता है क्वालिटेटिव टेस्ट फॉर द अमाइंस क्वालिटेटिव टेस्ट फॉर अमाइंस ये जो आपके रेगुलर प्रैक्टिकल्स में आपने इसे परफॉर्म किया हुआ है सॉल्ट टेस्ट जहाँ पे पॉइंट वन ग्राम सैम्पल अमाइंस लेते हो जिसे टेन परसेंट एच के साथ आप रिएक्ट करते हो तो आपको पता चलता है क्लियर सोल्यूशन ऑफ अमाइन आप नजर आता है तो ये अमाइन प्रजेंट है दैन कार्बन अमाइन टेस्ट आता है दैन डाइजोन डाइजोटाइजेशन टेस्ट है एंड द हिंसबर्ग टेस्ट है तो ये हिंसबर्ग टेस्ट आपको पूछा जाता है गाइज ये सारे टेस्ट आपने अमाइन मतलब प्रैक्टिकल्स uh, के अंदर स्टडी किया हुआ है क्वालिटेटिव एनालिसिस के अंदर तो ये फोर रिएक्शन याद रखो डाइजोटाइजेशन टेस्ट हिंसबर्ग टेस्ट ये मोस्टली पूछे जाते हैं एग्जाम में तो डाइजोटाइजेशन टेस्ट के अंदर क्या आएगी पॉइंट वन ग्राम सैम्पल है टेन ड्रॉप्स ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड रेसिबल टेस्ट के अंदर डालना है कूल cool करना है आइस वाटर के साथ फोर टू फाइव ड्रॉप्स ऑफ सोडियम नाइट्रेट डालना है जहाँ पे क्या होता है कि टू नेपथॉल ऐड करने के बाद इन एन एच रेड कलर आपको देखने को मिलता है तो जनरली ये प्रोसीजर है उसे आपको याद रखना है एंड हिंसबर्ग टेस्ट भी आपको याद रखना है यहाँ पर पॉइंट थ्री ग्राम ऑफ सैम्पल ऑफ बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करते हो एंड आइस फाइव टू टेन एम आइस कोल्ड वाटर ऐड करते हो टेस्ट ट्यूब के अंदर तो यहाँ पर आपको ऑरेंज सॉरी येल्लो पी पी टी डिसोल इन टू फाइव पर परसेंट एनओ एंड पी पी टी इन सोलिबल इन फाइव परसेंट एन ओ एच पी पी टी सोलिबल इन टेन परसेंट एच सी एल इस तरीके से आपको प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी अमाइन आइन क्लासीफाई कर सकते हो यूजिंग द हिंसबर्ग टेस्ट तो ये जनरली कन्फर्मेटरी टेस्ट के अंदर आता है क्वालिटेटिव एनालिसिस के अंदर प्राइमरी अमाइन फर्स्ट आपको अमाइन कन्फर्म करना होता है अमाइन कन्फर्म करने के बाद वो प्राइमरी अमाइन है एलिफेटिक अमाइन है कि एरोमेटिक अमाइन है उसे कन्फर्म करना होता है उसके बाद आपको सेकेंडरी अमाइन है टर्शरी अमाइन है कि प्राइमरी अमाइन है ये कन्फर्म करना होता है तो आपको हिंसबर्ग टेस्ट का यूज़ करके प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी अमाइन आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो और ऑल्सो डाइजटाइजेशन आपको हेल्प करेगा सेकेंडरी एंड द टर्शरी अमाइन आइडेंटिफिकेशन के लिए दैन आपको दो तीन ड्रग्स दिए हुए मतलब तीन इथेलिन डाईमाइन जो कि स्ट्रक्चर आप देख रहे हो यहाँ पे तो ये स्ट्रक्चर एंड उसके यूजेस मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फ्यूल एडिक्टिव ब्लीच एक्टिविटीज चिलेटिंग एजेंट्स क्रेज्यू इनिबिटर्स कोरोजनि इस तरीके के यूजेस है एंड देन इथेनोलामाइंस जो है इट इज़ यूज एज अ द फिडस्टो इन द प्रोटक्शन ऑफ डिटर्जेंट्स इमल्सिफायर पॉलिशर्स एरोसिन इनिबिटर्स केमिकल इंटरमीडिएट्स स्ट्रक्चर देखो एक बार ध्यान से यही स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ करना है एंड एम्फेटामाइन एम्फेटामाइन जो है यहाँ पे स्ट्रक्चर देखो बेंजिन रिंग यहाँ पे अल्काइल ग्रुप है जिसके ऊपर एनएच है देन यूज एज अ नर्व स्टिमुलेंट इट्स अ ट्रीट एज अटेंशन डिफिशियंट हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर्स सो गाइज़ ये जो चैप्टर है अमाइंस वेरी स्पीडली हमने कवर किया है सो so, uh, आप इसे एक दो बार रिवाइज करो गाइज ये वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूँ uh, ये जो वीडियो में आपको जनरल कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे कि प्राइमरी अमाइन सेकेंडरी अमाइन टर्सरी अमाइन के आइडेंटिफिकेशन टेस्ट क्या है देन आपको मेथड ऑफ़ प्रिपरेशंस एंड द रिएक्शन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस यहाँ पे क्लियर हो जाते हैं एंड बेसिसिटी ऑफ अमाइंस आपको यहाँ पे अच्छे से समझ में आ जाता है तो ये बेसिक अमाइंस चैप्टर आपका यहाँ पे क्या हो जाता है क्लियर हो जाता है तो जो अपकमिंग एग्जाम आ रही है उसके पॉइंट ऑफ व्यू जितना नोट्स आपके पास है उतना ही स्टडी करो ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा ऑल द बेस्ट